वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही खुश होगी, स्वस्थ होगी और मस्त होगी। तो आज मैं आपके साथ अपना नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, हम सुबह कुछ ना कुछ लगाते हैं, पर रात को नाइट स्किन केयर रूटीन, रात को अपनी स्किन की केयर करना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप किसी भी एज के हैं, पर अगर आप 30 प्लस हैं तो आपको तो नाइट स्किन केयर रूटीन जरूर फॉलो करना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ अपना नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि बेहद आसान है। और अगर आप इसे 7 डेज यूज करेंगे ना, 7 डेज इसको रात को फॉलो करेंगे, तो रोज आप अपनी स्किन को बेहतर होता पाएंगे। मतलब आप अपनी स्किन को ब्राइटन अप कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं या झुर्रियां हैं, स्किन सैगिंग हो गई है, हर तरह की स्किन प्रॉब्लम को दूर करेगा और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ब्राइट करेगा अगर आपके कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा डल पड़ चुका है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं रोज लाती हूँ वीडियोस होम रेमेडीज, जो कि मैं खुद ट्राई करती हूँ और आप सभी को भी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कच्चा दूध। हम करेंगे यहाँ पे CTM। सबसे पहले हमें अपने स्किन की क्लेंजिंग करनी है। CTM मतलब क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अगर आप क्रिस्टल क्लियर स्किन चाहते हैं, तो आपको अपनी स्किन की क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। चाहे आप फेस वॉश करते हैं नहीं करते, बट कच्चा दूध हमारी स्किन से जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी है, मैग्नेट की तरह चिपक के हमारी स्किन से जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी है सब निकाल देती है, डीप क्लीनिंग करती है हमारी स्किन की, जो कि फेस वॉशेस नहीं कर पाते, ठीक है। और ये हमारी स्किन पे बहुत अच्छा निखार लाती है, हमारी स्किन को ब्राइट भी करती है इसके रेगुलर इस्तेमाल से, क्योंकि इसमें होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कॉटन पैड लिया है और मैं अपनी स्किन की क्लेंजिंग करूंगी। यहाँ पे एक कॉटन पैड लिया है, ठीक है, आप रुई भी ले सकते हैं। इसमें मैं डिप करूंगी इसको अच्छे से। ये देखिए क्या करना है हमको, इसको अच्छे से दूध में डिप कर लेना है और इसमें अपनी स्किन की क्लेंजिंग करूंगी। अगर आप रोज अपनी स्किन से कच्चे दूध से अपनी स्किन को क्लीन करेंगे ना, अभी देखिए मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, मैंने बिल्कुल भी स्किन पे कुछ नहीं लगाया, बस फेस वॉश किया था, तो मैंने कुछ भी क्रीम वीम नहीं लगाई। फिर भी आप देखना कि ये कॉटन कितनी काली हो जाएगी, क्योंकि हम किचन में काम करते हैं पसीने से, धूल से, और जो ऑयल वगैरह आ जाता है हमारे फेस पे खाना बनाते वक्त, उससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल दिखती है, बहुत ज्यादा डार्क दिखती है। तो 1 मिनट तक आपको अच्छे से अपनी स्किन की क्लेंजिंग करनी है कॉटन पैड से। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया है कच्चे दूध से, और जितना भी दूध है मेरी स्किन ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। अब आपको अपने फेस को, आपका फेस अच्छे से क्लीन हो गया है, ठीक है। अब जो है क्लेंजिंग हमने कर ली, अब क्लेंजिंग के बाद कौन सा आता है स्टेप, दूसरा स्टेप है हमारा टोनिंग। यानी कि अब तो हमने अपनी स्किन की क्लीनिंग तो कर ली, अब हमने अपनी स्किन को टोन करना है। मतलब हमारी स्किन पे जितने भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, हमें अपनी स्किन पे कसाव लाना है, स्किन को टोन करना है, तो टोनर बेहद जरूरी होता है। तो गुलाब जल से अच्छा कोई टोनर हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास कोई और टोनर है, क्यूक्यूम्बर टोनर या कोई भी आप टोनर यूज करते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं, बट गुलाब जल हर किसी के घर में होता ही है। गुलाब जल दोस्तों क्या करता है, हमारी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, हमारी स्किन पे निखार लाता है, कसाव लाता है, हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग भी बनाता है, ठीक है। हमारी स्किन पे मॉइस्चराइज का काम करता है, मॉइस्चराइजर काम करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेशन देता है। मतलब नमी हमारी स्किन पे जितनी अच्छी होगी ना, हाइड्रेशन रहेगा हमारी स्किन पे, जितना पानी का लेवल अच्छा रहेगा, तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा प्लम्पी होगी, हमारी स्किन पे एजिंग साइंस नहीं आएंगे और हमारी स्किन समय से पहले बूढ़ी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, आपके पास अगर स्प्रे वाला ना सबसे बेस्ट रहता है वो, बट मैं अपने हाथ में ही इसे ले रही हूँ, थोड़ा सा गुलाब जल लगभग 1 टीस्पून, और देखिए टैप टैप करके मैं अपनी स्किन पे ऐसे लगाऊंगी। मतलब हल्के हल्के हाथों से मैं फिंगर से ही ऐसे प्रेस करूंगी, ताकि जितना भी गुलाब जल है मेरी स्किन अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। देखिए इस तरीके से टैप टैप करती रहूंगी। अगर आपके पास स्प्रे वाला है तो आप स्प्रे करें और 1 मिनट तक उसे अपनी स्किन पे अब्सॉर्ब होने दें, पर मेरे पास तो ऐसे वाला है, तो अच्छे से मैंने हाथ में लिया और ऐसे प्रेस करते हुए, हल्के हल्के हाथों से टैप टैप करते हुए, ऐसे टैपिंग करते हुए
मैं अपनी स्किन पे इसे एब्जॉर्ब करवा रही हूँ ताकि मेरी स्किन की सेवल या इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, मतलब मेरी स्किन अच्छे से इसे सोख ले। ठीक है, बहुत अच्छे से हमारी स्किन पे सोख एब्जॉर्ब हो जाएगा। और रोज वाटर क्या करता है, हमारी स्किन पे एक निखार लाता है, एक खुशबू भी लाता है, एक रिफ्रेशिंग सा लगता है इसे लगाने के बाद। ये जितना भी गुलाब जल है मेरी स्किन ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। देखिए कितना आसान है, पहले कच्चा दूध, ठीक है, फिर उसके बाद रोज वाटर। अब CTM यानी कि क्लेंजिंग हो गई, टोनिंग भी हो गई गुलाब जल से। अब तीसरा स्टेप आता है हमारा मॉइस्चराइजिंग, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइज करने के लिए क्या जरूरी है, देखिए मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है अपनी स्किन को, चाहे आप सर्दियां हैं। हमारा मिथ होता है कि सर्दियों में ना हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे, गर्मियों में नहीं लगाएंगे क्योंकि चिपचिप हो जाती है। जी नहीं, हमें हर मौसम में मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, बट कौन सा मॉइस्चराइजर किस मौसम में लगाना चाहिए वो हम सबको पता होना चाहिए, उसके लिए मैं हूं ना। तो देखिए मॉइस्चराइजर लगाने के लिए, मॉइस्चराइजर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए यहाँ पे हमने लेना है एलोवेरा जेल। देखिए एलोवेरा जेल की बात करूं ना तो ये एक तो लाइट वेट होता है, हमारी स्किन इसे अच्छे से एब्सॉर्ब कर लेती है क्योंकि हमारी स्किन इसे समझती है क्योंकि हम इसे लगाते हैं। ठीक है, और यह हमारी स्किन से रिंकल्स को हटाता है, डार्क स्पॉट्स को हटाता है, हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो भी लाता है हमारी स्किन पे। ठीक है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैं मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगभग एक पंप लिया है, एक टाइम के लिए मैं बता रही हूँ। आप चाहे तो ज्यादा क्वांटिटी भी बना सकते हैं, बट ये बहुत इजी रहता है। रात को आप अपने जहां भी आपका स्किन केयर रूटीन, अपने ड्रेसिंग टेबल में ये सब चीजें रख दें और 5 मिनट हार्डली आपको स्किन केयर रूटीन ये फॉलो करने में लगेगा। तो ठीक है, इतना टाइम तो आप अपने आपको दे ही सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिया है एक पंप, लगभग 2 पंप। देखिए इतना मैंने एलोवेरा जेल लिया है, 2 बार मैंने इसे पंप किया था। अब इसमें मैं डालूंगी, अब हमें मॉइस्चराइज भी तो करना है अपनी स्किन को, इसमें मैं डालूंगी विटामिन ई कैप्सूल। जी हाँ, विटामिन ई के कैप्सूल की मैं बात करूं ना, ये इतना अच्छा होता है, ये हमारी स्किन पे इतना अच्छे से काम करता है, ये हमारी स्किन पे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट जितना हम अब लेंगे ना उतना ही हमारी स्किन पे कसाव आएगा, रिंकल्स या नहीं पड़ेंगी और हमारी स्किन 40-50 में भी काफी यंग लगेगी और कोई रिंकल्स वगैरह नहीं आएंगे। रिंकल फ्री स्किन के लिए अगर आप चाहते हैं तो वाइटामिन ई कैप्सूल बहुत जरूरी है, इजिली मिल जाती है केमिस्ट की शॉप से। और आपने देखा होगा जितने भी महंगे महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इसका भर भर के इस्तेमाल किया जाता है। पर हाँ, इसे हम डायरेक्ट अपने फेस पे नहीं लगा सकते क्योंकि ये एक गाढ़ा ऑयल होता है, जो कि हमारे, अगर हम इसे गाढ़ा ऑयल लगाएंगे तो हमारी स्किन इसे सोख नहीं पाएगी क्योंकि बहुत गाढ़ा है, लाइट वेट नहीं है। और ये डायरेक्ट लगाएंगे इसे अपने फेस पे तो हमारे स्किन के पोर्स यानी कि जो छिद्र होते हैं ना, जो सांस लेते हैं, वो ब्लॉक हो सकते हैं, मतलब वो बंद हो सकते हैं, जिससे कि हमें पिंपल्स की दिक्कत हो सकती है, हमें ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स की दिक्कत हो सकती है। तो मैं इसको एलोवेरा जेल में मिक्स करके लगाने वाली हूँ। ठीक है, तो एक हम नाइफ लेंगे, उससे हम इसको सारा, मैं इसका ऑयल निकाल लूंगी। इस तरीके का गाढ़ा ऑयल होता है, ये देखिए ये इतना गाढ़ा ऑयल होता है। यहां मैंने कम से कम 1 बूंद ली है विटामिन ई के कैप्सूल की, 1 से 2 बूंदे ली है। ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप 2 से 3 बूंदे भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरी अभी कैप्सूल बच गई है, देखिए तो मैंने 1 से 2 बूंदे ली है क्योंकि बहुत गाढ़ा ऑयल होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो 1 बूंद डालें, ड्राई है तो 2 बूंद डालें। ठीक है, अब दोनों चीज को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ आपके सामने ही, ये देखिए मैं हाथ में मिक्स कर रही हूँ। मैं हैंड वॉश करके आई थी, मैं भी बस नजर नहा के आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं स्किन केयर फॉलो करती हूँ। जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे तो ये क्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ब्यूटीफुल सी क्रीम हमारी बन जाएगी व्हाइट कलर की। तो इसको क्या करना है, ये हमारा लास्ट स्टेप है स्किन केयर, नाइट स्किन केयर रूटीन का। तो इसे अच्छे से अपनी स्किन पे लगाएंगे, मसाज करते हुए थोड़ा थोड़ा पूरे चेहरे पे फैला लेंगे और इसे अच्छे से आपको मसाज करनी है अपनी स्किन पे। देखिए इसे लगाते ही आपकी स्किन इतनी ज्यादा ग्लो करेगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ग्लो करेगी। अच्छा हाँ, विटामिन ई की जगह आप बादाम का तेल भी ले सकते हैं क्योंकि वो विटामिन ई से भरपूर होता है, बट विटामिन ई की कैप्सूल के अलग से और फायदे हैं, तो ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, वरना विटामिन ए बादाम का तेल भी आप ले सकते हैं। ये कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं जिससे कि हमारी स्किन पे एक निखार आता है। इस तरीके से आपको हल्का हल्का प्रेस करना है, ये देखिए
अपवर्ड थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। वैसे तो ये बहुत लाइट वेट क्रीम है तो आपकी स्किन इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। एक मिनट तक अच्छे से मसाज करें, ये देखिए इस तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेमेडी मेरे YouTube फैमिली को बहुत अच्छी लगी होगी। हमने तीन स्टेप किए थे, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, तो मैंने अभी स्किन पे लगाया है। और इसके बाद जो लास्ट स्टेप है, एलोवेरा और वाइटामिन ई ऑयल जो मैंने बताया, सीरम बनाया, वो आपको रात को लगाना है ओवरनाइट, और मतलब पूरी रात इसको अपनी स्किन पे रखना है आपको। जी हाँ, इसको वॉश नहीं करना, ये पूरी रात आपकी स्किन को रिपेयर करेगी, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा नरिशमेंट देगी, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेशन देगी, ठीक है। उसके बाद मैंने देखिए ये फॉलो किया है, मेरी स्किन आप देख सकते हैं, कोई मेकअप वगैरह नहीं है। और आप सुबह इसे वॉश कर दें, और जो मैंने आपको फेस वॉश बताया था, DIY फेस वॉश पाउडर, रोज उसका इस्तेमाल करें, सुबह और रात को ये फॉलो करें जो मैंने आपको अभी बताया है। फिर देखिए 7 दिन में आपकी स्किन पे कितना ड्रास्टिक चेंज आता है, एक आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म होगी बहुत अच्छे से, और स्किन बहुत ज्यादा ब्राइट भी होगी, स्किन बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगी, और फाइन लाइन्स, रिंकल्स भी दूर होंगे। तो चलिए मिलती हूँ मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक देता है हमको मोटिवेशन, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहे। तो मैं आपसे मिलती हूँ और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। टिल देन फ्रेंड, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।